लखनऊ में तैनात महिला दरोगा को किडनैप किया गया। युवक के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, महिला दरोगा के परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। किसी तरह दरोगा किडनैपर्स के चंगुल से निकल पाई। पीड़ित महिला दरोगा ने लखनऊ के बीबीडी थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लखनऊ में तैनात महिला पुलिसकर्मी को प्रयागराज के हंडिया का रहने वाला युवक आयुष्मान पांडे 5 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। वो बार बार फोन करके पैसे की डिमांड करता है, धमकी देता है कि फोटो एडिट करके अश्लील बना दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। पीड़िता की माने तो युवक उसे पिछले 5 से 6 महीने से परेशान कर रहा है। इससे परेशान होकर महिला दरोगा ने हजरतगंज के महिला थाने में युवक के खिलाफ अगस्त में केस दर्ज कराया। इस मामले में युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उसने कोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया। अब वो युवक महिला दरोगा पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला दरोगा का आरोप है कि 11 सितंबर की रात करीब 12 बजे घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर निकल कर देखा तो 2 युवक खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ नोटिस आई है। उनसे नोटिस के विषय में पूछ ही रही थी कि तभी दोनों ने पकड़ लिया और खींचते हुए कार में बैठा लिया, कार को सड़क पर भगाने लगे। इस बीच एक युवक ने धमकी दी, अगर उन्होंने आयुष्मान पांडे के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं लिया तो जान से मार दी जाओगी। महिला दरोगा ने बताया कि आरोपियों के कार में बैठाने के दौरान मैंने मौका पाकर 112 डायल कर दिया था। जैसे इसकी जानकारी उन्हें हुई वो सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए। इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह ने बताया कि महिला दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के पास की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जा रही है।